एशियन गेम्स में नेपाल ने तूफान मचा दिया है और रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है। दरअसल T20 में सबसे बड़ा स्कोर अब नेपाल के नाम हो चुका है। मंगोलिया के खिलाफ नेपाल ने 314 रन बनाए हैं, एशियन गेम्स में ये रिकॉर्ड बनाया है और T20 क्रिकेट में ये कारनामा करके दिखाया है कि एशियन गेम्स में क्रिकेट T20 फॉर्मेट में हो रहा है। नेपाल क्रिकेटर कुशल माला ने सबसे तेज शतक लगाया है। कुशल माला ने रोहित शर्मा और डेविड मिलर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 34 गेंदों पर कुशल माला ने T20 में 100 रन बनाए हैं, जबकि दीपेंद्र ने 9 गेंदों पर T20 की सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाई। नेपाल ने इस दौरान सबसे ज्यादा 26 छक्के भी लगाए हैं। आपको बता दें कि कुशल ने 50 गेंदों पर 137 रनों की पारी खेली, जिसमें 12 छक्के और 8 चौके शामिल है। वहीं रोहित पटेल जो कप्तान है, 27 गेंदों पर 61 रन बनाए, 6 छक्के और 2 चौके लगाए। दीपेंद्र सिंह ने 10 गेंदों पर 52 रन बनाए, 8 छक्के इसमें शामिल है 530 के स्ट्राइक रेट से। तो कुल मिलाकर नेपाल की टीम ने एशियन गेम्स में इतिहास रच दिया है, बड़ा कारनामा करके दिखा दिया है। वहीं अगर रिकॉर्ड की बात करें तो T20 में सबसे तेज अब शतक जो है नेपाल के नाम है। कुशल माला ने 34 गेंदों पर यह कारनामा किया, जबकि डेविड मिलर ने 35 गेंदों पर शतक लगाया था। रोहित शर्मा ने 35 गेंदों पर ही अपना शतक पूरा किया था T20 में। वहीं T20 में सबसे तेज हाफ सेंचुरी की बात करें तो दीपेंद्र का नाम अब इस रिकॉर्ड में सबसे ऊपर है, क्योंकि 9 गेंदों पर उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई, 8 छक्के, उसके बाद डबल और हाफ सेंचुरी पूरी की। युवराज सिंह ने 12 गेंदों पर यह कारनामा किया था। क्रिस गेल ने भी 12 गेंदों पर ही ये कारनामा किया है। वहीं T20 में सबसे बड़ा स्कोर भी अब नेपाल के नाम है। नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ 314 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। अफगानिस्तान ने T20 क्रिकेट में 278 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि चेक रिपब्लिक ने तुर्की के खिलाफ 278 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पर। लेकिन अब नेपाल क्रिकेट ने चीन में सनसनी मचा दी है और सबसे बड़ा T20 का स्कोर बनाया, सबसे तेज शतक बनाया, सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाई। आपको बता दें कि नेपाल ने एशिया कप में भी क्वालिफाई किया था, हालांकि ग्रुप स्टेज से आगे उठी नहीं जा पाई थी, लेकिन अब एशियन गेम्स में नेपाल ने तहलका मचा दिया है और कुशल माला का नाम अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, जिन्होंने सबसे तेज T20 क्रिकेट में शतक लगाया। इसके अलावा दीपेंद्र ने भी सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाई। तो अब देखना होगा कि नेपाल क्रिकेट में और कितने रिकॉर्ड बन